हम सब भली भांति जानते हैं, बहुत बार हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि परमात्मा परम सत्य है। और परमात्मा परम सत्य है इसलिए कोई अच्छी व्यक्ति तक पहुंचना है तो वही तो पहुंचा सकता है जो अच्छा हो, क्योंकि जो अच्छा होगा वो अच्छे से जुड़ा हुआ होगा, वही वहां तक ले जाएगा। परमात्मा परम सत्य होने के कारण वैसे तो सब कुछ सत्य है, क्योंकि जगत के रूप में स्वयं भगवान ही बना है। भगवान ने जगत बनाया है ये भी सत्य है, और भगवान जगत बने हैं ये भी सत्य है। लेकिन जब तक मनोविकार की समाप्ति नहीं, तब तक हमारे लिए दो भेद है, और वो है जड़ और चेतन। सार और असार, शरीर को जड़ कहेंगे, आत्मा को चेतन कहेंगे, जगत को जड़ कहेंगे, बनाने वाले को चेतन कहेंगे। पदार्थ जड़ कहेंगे, परमात्मा को चेतन कहेंगे। लेकिन ये भी परम सत्य नहीं है। लेकिन जब तक हम उस स्तर पर नहीं गए, तब तक हमारी भलाई है इसी में है कि हम जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न किरदार जैसे मानस में लिखा, उस प्रकार हम दोनों को अलग समझे। क्योंकि जब हमें चेतन नजर ही नहीं आता और यही समझ ले कि दसों दिशाएं जड़ हैं, इससे तो कुछ ठीक है कि ये समझे कि जो दिखता है वो जड़ है, जिससे दिखता है वो चेतन है। शरीर में आत्मा नहीं रहती तो ये कुछ नहीं दिखेगा, तो जिसके आधार से दिखता है वो जड़ है, वो चेतन है। जो दिखता है वो जड़ है, या फिर जो सृजनहार है इसका बनाने वाला है वो परम। लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं लगता। जगत जड़, ईश्वर सत्य होता, शरीर जड़, आत्मा सत्य होती तो फिर ये बात कहां से आती है? सिया राम सब जग जानी। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम विश्व क्यों आता? हम क्यों कहते आरतियों में जय जगदीश हरे? क्यों कहते? जगत के रूप में ईश खड़ा है, लेकिन फिर भी हमारा हित इसमें है। जब तक मनोविकार की समाप्ति नहीं है, जब तक मन विशुद्ध नहीं है, शुद्ध तो कभी कभी हो जाता है लेकिन विशुद्ध जल्दी नहीं होता, और कभी मन शुद्ध हो जाए तो इससे ये ना समझ लो काम पूरा हो गया। कभी कभी मन शुद्ध हो भी गया, इससे भजन न छोड़े, सत्संग न छोड़े, साधना न छोड़े, उपाय न छोड़े मन शुद्धि का, क्योंकि शुद्ध मन अशुद्ध हो सकता है।
विशुद्ध मन अशुद्ध नहीं होता। देखिए बड़े ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी संतों के द्वारा कभी जप, कभी पाठ, कभी पूजा, कभी दर्शन, ये होता ही रहता, वो करते ही रहते। अब उन्हें जरूरी है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन करते रहता है। सिद्धों का मन विशुद्ध होता है। और विशुद्ध मन के अशुद्ध होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जंग लोहे को लगती है, सोने को जंग लगती है। जब तक हमारी पात्रता लोहे के जैसी है, तब तक हमें इसको जंग से बचाना है, इसको सड़ने से हमें बचाना है। लेकिन जब हमारी पात्रता स्वर्ण की हो जाती है, तो फिर स्वर्ण को जंग नहीं लगता, फिर तो न जंग लगेगी, न आग में जलेगा, न किसी से प्रभावित होगा। शायद कोई है दुनिया में जो सूर्य से प्रभावित न होता हो, लेकिन सूर्य किसी से प्रभावित नहीं होगा। इसको कहते हैं विशुद्ध व्यक्तित्व। मन शुद्धि मजबूरी से भी होती है। जब कहीं के नहीं रहते, तब कहते हैं कि मेरी आंखें खुल गई, हम सब समझ गए हैं, हमारी गलती थी, हमने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, अब तो साफ। तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति लौट आया, बदल गया, समझ गया सब कुछ। लेकिन फिर मौका पाकर उसके विकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात ही है, बीज को मिट्टी और पानी मिल जाए और ठीक हवामान मिल जाए तो अंकुरित तो हो जाता ना। तो उस प्रकार हमारे भीतर पड़े सूक्ष्म दोष हमें नजर नहीं आते, लेकिन जब अनुकूल माहौल मिल जाता है तो वो भी अंकुरित हो जाता। प्रत्यक्ष दोष बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दोष बड़ा खतरा। प्रत्यक्ष में कुछ लोग लोभी है, जो कहते हैं कि मेरे से तो नहीं छूटता, चाहे चमड़ी छूटे। प्रत्यक्ष में कुछ लोग खुद ही जानते हैं कि क्रोधी, सब जानते हैं कि इसमें क्रोध बहुत। ये सारे प्रत्यक्ष दोष है, वो भी तो कोई संभाल के रखने की चीज नहीं है, ना तो शोकेश में रखने की चीज है, उसकी प्रशंसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम समझ सकते हैं। वो हमारी अपनी दृष्टि में भी ठीक नहीं है, और जो हमारी अपनी दृष्टि में भी ठीक नहीं है तो वो एक दिन निकल जाता है। लेकिन जो नजर में ही नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, और वो अपने आप, हम अपने आप को महान समझ लें, तो ऐसे में जब उसके अनुकूल कोई बात आ गई, उसके अनुकूल कोई माहौल मिला, उसके उसके अनुकूल कोई चलचित्र देख लिया, उसके अनुकूल कोई चित्र देख लिया, उसके अनुकूल कोई वार्ता पढ़ ली, उसके अनुकूल कोई लोग मिल गए, तो समझ लो हवा पानी मिट्टी ये सब अनुकूल हो गया। और यही कारण है कि हम लोग शुद्धता को सब कुछ समझ लेते हैं, जिसके चलते हमारा आमूल परिवर्तन नहीं होता। जब स्वयं का आमूल परिवर्तन होता है, मूलतः परिवर्तन होता है, जब भीतर से हम बदलते हैं, तब औरों को इतना फायदा नहीं होता जितना स्वयं को होता है।
औरों को वो शांति नहीं होती जितनी स्वयं को होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम नए जन्म का आनंद लेते हैं। इसी जन्म में नए जन्म का आनंद लेते हैं।